तो हम हो चुके हैं पसीनों में तर तर, और किसी को नहीं पता है कि फोर्ट कहाँ पर है। इंटरनेट हमें ढंग से गाइड नहीं कर रहा है, और किसी से पूछो तो सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि फोर्ट किले जैसी बिल्डिंग्स हैं इसलिए इस एरिया का नाम फोर्ट पड़ा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इंटरनेट बोलता है यहाँ पर फोर्ट है। चलिए ढूंढते हैं फिर से फोर्ट। कहीं नहीं मिल रहा है हमें फोर्ट। कब मिलेगा नहीं हमें फोर्ट है? नहीं 3 मिनट्स बाद। हे एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं, और दिवाली की रौनक का लुत्फ उठाते हुए पहुंच गए हैं मलाड स्टेशन से चर्च गेट स्टेशन पर। इस इलाके में आते ही ना दिल को एक अलग किस्म का सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मानो मैं एक अलग वक्त में पहुंच गई हूं, जहां बिल्डिंग्स महज बिल्डिंग्स नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से निकले एक खूबसूरत दौर की ताबीर हो। एक से एक उम्दा इमारत मानो आज भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर को सलामी दे रही है। लेकिन कोई भी जगह सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बनती है ना, बल्कि उसके पीछे की कहानियों से भी बनती है, और आज ऐसी ही कहानी की बारी है। पहली कहानी है मुंबई के फोर्ट इलाके के हुतात्मा चौक के बारे में, जिसे पहले फ्लोरा फाउंटेन के नाम से भी जाना जाता था। 1956 की बात है, जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग होने की मांग कर रहे थे। अब रूलिंग गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों ही ये नहीं चाहते थे, इसलिए आए दिन इस मांग के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों ने अपने हक समझकर इस लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे ही एक दिन फ्लोरा फाउंटेन के बिल्कुल पास में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां कुछ टेंशन बढ़ी तो पुलिस कर्मियों ने गोलियां चला दी, यानी फायरिंग हुई, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद मानो चारों तरफ हाहाकार मच गया। आजाद देश में भी ऐसी क्रूरता देख लोग दंग रह गए थे। गैलरीज बनी, डिस्कशंस हुए, प्रोटेस्ट हुए, और फाइनली 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिल गया, और 1961 में उन्हीं 15 लोगों की याद में ये हुतात्मा चौक का निर्माण किया गया। तो हुई ना ये जगह महाराष्ट्र और उसके इतिहास के लिए बेहद जरूरी। क्यों, पता थी क्या आपको ये कहानी? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो है फोर्ट के बारे में, जिसके नाम पर इस एरिया का नाम पड़ा। अब वहां का सफर शुरू करूं, इससे पहले मैं जरा आपको ये फोर्ट वाला जो एरिया है, इसमें किताब की जो ये मार्केट है उससे रूबरू करा दूं। और आप कितने सालों से लगा रहे हो यहाँ पे शॉप अपनी? यहाँ तो 20 साल हमको हो गया, 200 तो उससे भी पहले से। और ये पूरा मार्केट, बुक मार्केट कितना पुराना है फोर्ट पे? देखिए 1975 का तो लाइसेंस है इनको, अब उससे पहले कहाँ से है वो हमको नहीं। अच्छा, तो दोस्तों अगली बार किसी किताब की ज़रूरत हो तो यहाँ आइएगा ज़रूर। और अब इसके बाद हमने शुरू किया अपना सफ़र, फोर्ट तक पहुँचने का सफ़र। फोर्ट यहीं कहीं होना चाहिए क्योंकि हम उसी इलाके में हैं, लेकिन पूछते पुछाते भी 25 मिनट निकल चुके थे। हम पैदल फोर्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। सब हमें एक ही जवाब दे रहे थे, आप फोर्ट में ही तो हैं, फोर्ट कोई किला नहीं है, फोर्ट ये एरिया का नाम है। लेकिन हमें पता था फोर्ट है, गूगल से पता चला कि 11 मिनट दूर है। अब चल इतना चुके थे, गर्मी इतनी थी, तो हमने कैब ले ली। कैब के ड्राइवर ने कंफर्म किया कि वो हमें जॉर्ज फोर्ट पर ही छोड़ेंगे। हम खुश हो गए और इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर से गुजरते वक्त अपनी मंजिल का इंतजार करते रहे। पर मंजिल पर पहुंच कर क्या वो हमारी मंजिल थी, देखते हैं। नहीं, ऐसा किला नहीं है, ये फोर्ट से तरीका बिल्डिंग है, इसलिए इसको फोर्ट एरिया बोलते हैं। तो हम हो चुके हैं पसीनों में तर तर, और किसी को नहीं पता है कि फोर्ट कहाँ पर है। इंटरनेट हमें ढंग से गाइड नहीं कर रहा है, और किसी से पूछो तो सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि फोर्ट किले जैसी बिल्डिंग्स हैं इसलिए इस एरिया का नाम फोर्ट पड़ा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इंटरनेट बोलता है यहाँ पर फोर्ट है। चलिए ढूंढते हैं फिर से फोर्ट। हैरानी दोस्तों मुझे इस बात पे हो रही थी कि फोर्ट जो पूरी मुंबई में इतना फेमस है, उसका नाम जिस जगह की वजह से पड़ा वो किसी को मालूम नहीं। लगने लगा था कि वो जगह है भी या नहीं, पर खैर हमारा सफ़र ही ये है उस जगह को ढूंढ निकालना। तो इसी उम्मीद में कि वो जगह मिलेगी, हम निकल पड़े एक बार फिर अपने सफ़र पे। और ये जो जगह आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, ये है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो इंडिया की रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जी हाँ, अब तक सफ़र करते करते भूख बहुत लग चुकी थी, खाना खाया नहीं था, और यहीं इसी के सामने, CST के जस्ट सामने है आराम वड़ा पाव, मुंबई का फेमस वड़ा पाव सेंटर। तो ट्राई करना तो बनता था। मैंने यहाँ का वड़ा पाव कभी खाया नहीं था, और सच बोलूँ तो मैंने ऐसे वड़ा पाव पहले भी मुंबई में बहुत खाए हैं, या यूँ कहिए कि जगह ढूंढने की बहुत बेताबी थी कि इस वड़ा पाव में वो जादू नहीं मिला जो ढूंढ रही थी।
वड़ा पाव खाते खाते एक चीज जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये थी कि जब हमने आज के दिन की शुरुआत करी थी तो हमें लगा नहीं था कि हमें इतना वक्त लगेगा फोर्ट ढूंढने में, पर खैर मिला नहीं था अब तक, तो हम फिर निकल गए। और चलते चलते जब हम इस जगह पर पहुंचे तो हमें लगा अरे ये तो वही जगह है जहां से अभी टैक्सी हमें लेकर गई थी, तो मतलब हम उसी एरिया में घूम रहे थे राउंड एंड राउंड। और ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का आर्किटेक्चर देख कर ना मजा आ गया। कहीं नहीं मिल रहा है हमें फोर्ट, कब मिलेगा अन्नी हमें फोर्ट? अन्नी 3 मिनट्स बाद, ओके 3 मिनट्स बाद मिलेगा, अन्नी कह रही है हमें फोर्ट। तो यहाँ से चलते चलते हम इस जगह पहुंचे, यहाँ पर हमें लग नहीं रहा था कि फोर्ट जैसा कुछ हो भी सकता है। खैर हमने एक इंसान से पूछा और आगे आप खुद देखिए। पुराना वाला, हाँ तो किस तरफ है वो, कहाँ पर? इधर है ये, पेंट हुआ है ना ये सामने। हाँ 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 सामने है। जी हाँ, तो इन्होंने हमें पहुंचाया हमारी मंजिल पर, उस मंजिल पर जो हम आज सुबह से ढूंढ रहे थे, यही है जॉर्ज फोर्ट। जी हाँ, 1769 में इस फोर्ट को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था जिससे कि बाहर से कोई उन पर अटैक ना कर पाए, और उस बाहरी लोग में मराठास भी इन्वॉल्व थे। जब मैं इस फोर्ट के अंदर पहुंची ना, तो जब हम किला बोलते हैं तो दिमाग में एक किले वाली छवि होती है, ये उस छवि से थोड़ा विपरीत था। फिर पता चला कि ये फोर्ट एक्चुअली में बहुत बड़ा हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज अंदर रहा करती थी फोर्ट के अंदर। जो अभी भी आपने गांव देखा ये फोर्ट के अंदर का ही एरिया था, और जिस फोर्ट एरिया को अभी हम कवर करके आए ये वहां तक भी फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, कॉटन का ट्रेड बढ़ा, वैसे वैसे इस फोर्ट का डिमोलिशन शुरू हुआ और आज की डेट में ये एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। मिल गया फोर्ट, मिल गया फाइनली देख लिया हमने फोर्ट। हाँ 3 मिनट्स में, अरविंद ने बोला था 3 मिनट्स में मिल जाएगा, मिल गया। तो ये फोर्ट आज जो इतना छोटा सा बन गया है, रह गया है रादर, वो अपने टाइम में 1000 फीट लंबा हुआ करता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर किंग जॉर्ज थर्ड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। मरम्मत का काम वहाँ भी चालू था और भूख हमें भी जोरों शोरों से लग चुकी थी, तो हम पहुँच गए पंचम पूरी वाले के यहाँ, जिनकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। मिस्टर पंचम जो आगरा से पैदल चलकर आए थे जब सब कैलकटा जा रहे थे क्योंकि तब वहाँ बिजनेस होता था, वो मुंबई आए थे और मुंबई में आकर उन्होंने अपनी एक रेड़ी से शुरुआत करी थी जहाँ वो पूरी आलू की सब्जी बनाया करते थे नॉर्थ के स्टाइल की। और वो स्टाइल, वो मिस्टर पंचम आज तो नहीं है लेकिन पंचम पूरी वाला है जो उनकी आगे की जनरेशंस चलाती हैं। मैंने यहाँ की पूरी और सब्जी कभी ट्राई नहीं करी थी और ये मेरी बकेट लिस्ट में थी, और आज मौका मिल गया इसको टिक मार्क करने का। यहाँ पर जो मैंने प्लेटर लिया, यहाँ पर 5 तरह की पूड़ियाँ हैं, इतिहास से मिलकर आई, 2 कहानियाँ इतिहास से जुड़ी, तो फिर तीसरी जगह भी इतिहास से ना जुड़ी हो तो मज़ा नहीं आता ना। तो इसलिए मैंने यहाँ की पूड़ियाँ ट्राई करी, पनीर पूड़ी, बीट रूट पूड़ी, पालक पूड़ी, नॉर्मल पूड़ी और मसाला पूड़ी। पूड़ियाँ अपने में एक अलग टेस्ट है, आलू की सब्जी बहुत टेस्टी है, और जिसने बाजी मार ली मेरे लिए वो अभी स्क्रीन पर आएगा। ये रही पालक पूड़ी, जी हाँ दोस्तों यही है वो चीज़ जिसने बाजी मार ली मेरे लिए।
छास। इसको पीकर ना ऐसा लगा जैसे सुबह से जो थकान हुई थी ना चलने के बाद, ढूंढने की एक जो ललक थी उसके बाद जो थकान हुई थी वो सारी मिट गई। कमाल की लस्सी थी, छास थी, और यही वो पंचम थे जिन्होंने पंचम पूरी वाला स्टार्ट किया था। अनवी को लेकिन अभी भी कुछ चाहिए था और वो थी मीठी लस्सी। तो वहीं पंचम पूरी वाले के सामने है मथुरा डेयरी, वहां से हमने अनवी के लिए लस्सी ली। उसने लस्सी का लुत्फ लिया और थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करके हम निकल पड़े वापस मलाड की तरफ आज का सफर पूरा करके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और शेयर से ना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और एनकरेजमेंट मिलती है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।